प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात है भिड़े? भाई नए चश्मे खरीदे तो वो पहनो। नहीं पोपटलाल, मैं ये चश्मा कल अच्छा सा मुहूर्त देख के पहनूंगा। थैंक यू वेरी मच। चलो भाई चंद्रकांत, थैंक यू वेरी मच एंड सॉरी। थैंक यू। चलो आते रहना पोपट भाई। हाँ जी जरूर। थैंक यू। चलो बेशरम निर्लज्जा, तीन दहाड़े औरत को छेड़ता है, इसको दिखाती हूँ। वो तुम्हें? माधवी? तो आप थे वो मवाली? मवाली? जिसने मुझे छेड़ा? छेड़ा? हाँ। क्या जमाना आ गया है? बगना? दिन दहाड़े सरेआम पति पत्नी को छेड़ता है। ए भाई काय बोलते, तू काय गब्बस ना बाबा जरा। मैंने तुम्हें कब छेड़ा? ओ अभी आप आ रहे थे ना, तभी आपका हाथ लगा तो मुझे लगा मवाली। अरे माधवी, वो तो मैंने तुम्हें रोकने के लिए हाथ 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 खाली है। हाथ हाथ सॉरी, रोकने के लिए मैंने हाथ लगाया था तुम्हें। तुम कहाँ जा रही हो? वो भारती तई और सुरेश भाई के यहाँ अचार पापड़ की डिलीवरी करने। अच्छा, तो एक काम करो ना, तुम इस रिक्शा में भारती जी के पास चले जाओ। सुरेश भाई क्या, मैं चला जाता हूँ, वो तो बाजू में ही रहते हैं ना। हाँ चले। आपने पुराना चश्मा ही रिपेयर करवा लिया? हाँ वो भी फ्री में। मतलब नया चश्मा लिया ही नहीं? मैंने आपको क्या बोला था, नया चश्मा लीजिए, मैंने उसके लिए पैसे भी दिए थे आपको। और कितना? मैंने नया चश्मा ले लिया है। लिया है पोपट भौजी, ये देखा। हाँ फिर? अरे माधवी भाभी, मैं ही ले गया था भिड़े को अपने दोस्त की दुकान पर चश्मे लेने के लिए। अय्या कहीं सांगता है का? अरे क्या बताओ माधवी भाभी, इतने सारे चश्मे दिखाए भिड़े को, लेकिन उसको कोई पसंद ही नहीं आ रहा। जो चश्मा पसंद आए वो महंगा निकलता था, और जो चश्मा सस्ता होता था वो भीड़े को पसंद नहीं आता था। और अगर कोई ऐसी फ्रेम निकल आती थी जो भीड़े को पसंद भी हो सस्ती भी हो, तो उसमें कोई और नुक्स निकलता था। अरे चश्मे दिखाते दिखाते उसका पूरा स्टॉक खत्म हो गया। पोपट भाऊ जी में क्या चर्चा पूरे। अभी मैंने चश्मा ले लिया है ना, विषय संपला। हाँ तो पहनिए ना चश्मे को। नहीं नहीं, वो मैं कल एक अच्छा सा मुहूर्त देख के पहनूंगा। हाँ चांगले। चलो अम्मी निकते, उशीर होते। हाँ तू इधर बस, मैं आंटो दे। हाँ आइए बैठे माधवी भाभी। मैं क्या बोलता हूँ, आपको भी कभी चश्मे की जरूरत हो तो आप मुझे बताना, मेरे दोस्त की दुकान डिस्काउंट दे देता है वो। क्या पोपट भाऊ जी, थैंक यू। हाँ गुलमोर सोसाइटी। हाँ चलो भाई आ जाओ, घुमा। ओके चलो भाई भिड़े, मैं चलता हूँ। यस थैंक यू वेरी मच पोपटलाल फॉर दिस फ्रेम। नहीं, सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा भाई, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा काम किया है तो तुम्हें भी मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोलो। मेरे लिए एक सुंदर सुशील कन्या ढूंढनी पड़ेगी। ये लो। और मैं पैसे भी भूल जाऊंगा। अरे भेड़े लो भाई, रखो चश्मा अपने पास रखो, लड़की मैं ढूंढ लूंगा। अरे मजाक कर रहा हूँ तुम भी। अरे वो टप्पू से ना। अरे देख वहाँ पे बोर्ड पे। अरे टप्पू से ना।
क्या कर रहे हो टप्पू? मस्ती। इसके अलावा तुम्हें आता क्या है? और तुम भी क्या इसकी संगत में मस्ती कर रहे हो? अभी मेरा नया चश्मा टूट जाता है, पता है? वाह, नया चश्मा? हाँ। नहीं नहीं, गरी गरी गरी, तुम्हारे पास घर की चाबी है? हाँ। चला गरी। पर मामा। गरी। बाय फ्रेंड्स। बाय। अरे कितनी मस्ती करते हो तुम लोग। हाँ। ओ भाई, एक कम एवं सेक्रेटरी कम शिक्षक, क्या सारा दिन बच्चों को डांटते रहते हो? ये सोसाइटी है, कोई मिलिट्री स्कूल है कि बच्चे पूरा दिन कड़क अनुशासन में रहे? हाँ बिड़ अंकल, बच्चे है तो खेलेंगे ना। बच्चों मस्ती करो, बिंदास खेलो। सारा समाधान साला, और बोलो खेलो मस्ती करो, मेरे सुविचार पे पानी फेर दिया। अरे भाई भिड़े, तेरे सिर्फ सुविचार पे पानी फेरा है, लेकिन मेरे तो कपड़ों पे पानी फेर दिया। पता नहीं कितने घंटे लगेंगे कपड़े सूखने में। तो फिर? फिर भी बच्चे हैं, उनको हमेशा खेलने देना चाहिए। माले हाँ मानुस दोनी बाजू नहीं बोलतो, पता नहीं इस टप्पू के शरारत का स्टॉक कब खत्म होगा। देवा हाँ सूरज भाई, हाँ 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 नहीं मैं अभी आपके पास ही आने वाला हूँ। हाँ हाँ डिलीवरी रेडी है, बस अभी दो मिनट में आया। हाँ ये गोल हमारा, वो गोल तुम्हारा। हाय फ्रेंड। अरे चल सोनू कहाँ है? पता नहीं, चल मैं बुलाता हूँ उसको। हाँ ठीक है, मैं क्या बोलूँ? सोनू सोनू सोनू। अरे डब्बू, तब तक हम लोग खेलते ना, सोनू आ जाएगी। हाँ चल 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 चल, गोली हम दोनों की टीम। हाँ 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 तुम लोग चलो। वन टू थ्री। अरे सोनू क्यों नहीं आई है? हाँ लगता है होमवर्क कर रही होगी। नहीं भिड़े अंकल ने डाला था ना, इसलिए नहीं आई। अरे लगता है खाना खाकर सो गई है। चल चल छोड़ ना, हम लोग तो खेलते हैं उसके आने। चल 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 यार टाबू जैना कभी सुधरेगी नहीं। माधवी, ए माधवी पानी आन जरा। ए क्या आ गए आप डिलीवरी करके? हाँ ये लो पैसे। सोनू कहाँ है? वो मानसी के घर गई है पढ़ाई करने। अच्छा माँ, माधवी कैसा लगा मेरा नया चश्मा? दिखाया कहाँ आपने? अरे अभी थोड़ी देर पहले कंपाउंड में दिखाया तो था। सिर्फ कवर। अरे हो, चश्मा देखा ही नहीं ना तुमने? वो कुटे टेबला। अरे काय हो? कुटे गया ना? अब डिलीवरी करने गए थे, वहां तो नहीं भूल के है ना? अरे वहां तो मैंने निकला ही नहीं, याद आया। आए आए माधवी आए। वाह मिल गया। कुछ नोटिस बोर्ड के पास रखा है। ये सब टप्पू की वजह से। अरे टप्पू की क्या गलती है उसमें? कमाल है तुमची। उसी की गलती है माधवी। क्या हुआ? ये टप्पू से ना नोटिस बोर्ड के पास एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ा रही थी, और ये टप्पू ने मेरे लिखे हुए स्विचर पे पानी फेर दिया। तो वो स्विचर वापस लिखने के चक्कर में मैंने वो बॉक्स वहां पे रख दिया। उसी वक्त मुझे सूरज भाई का फोन आया, और जल्दी जल्दी में वो बॉक्स में वही भूल गया। अब गलती किसकी हुई? दोनों की। जाता उस बेचारा टप्पूला। हाँ नशीब आहे। देखो मेरा नया चश्मा।
मजा है बुआ। ये चश्मा लिया है आपने? जैसा तुमने बोला था वैसे ही, आज के जमाने का लेटेस्ट। ये हाँ, पूरे 2600 रुपए का है। ये 2600 का चश्मा है? लगता नहीं है ना, लगता है ना 5000 रुपए का। इसके लिए तो कोई 5 रुपया भी नहीं देगा। ये टूटा कैसे? मुझे क्या पता, आपने नोटिस बोर्ड के यहाँ रखा था तो नीचे गिरा तो नहीं था ना? अरे नहीं नहीं, जहाँ पे मैं डस्टर रखता हूँ ना, वहीं पे मैंने बॉस रखा था। तो फिर कांच कैसे टूट गया? अरे माला क्या मैं थी इतने गेलो थे। जरा वो सीटी देना, मैं भी योगा करना चाहता हूँ। कैच करो, कैच करो। अब देखो कैसे योगा होती है। अरे अरे भिड़े अंकल, टप्पू की सीटी तोड़ के आपने अच्छा नहीं किया। समझ गए टप्पू। काय म्हणालात? टप्पू, ये चश्मे का कांच टप्पू ने तोड़ा है। आपको टप्पू फोबिया हो गया है। काय ते नाहीतर काय, सारखं टप्पू 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 टप्पू, हर जगह आपको टप्पू ही नजर आता है। माधवी, ये कांच टप्पू ने ही तोड़ा है। अरे सुबह मैंने उसकी सीटी तोड़ी थी ना, तो उसका बदला लेने के लिए उसने मेरे चश्मे का कांच तोड़ दिया। ओहो, 5 रुपए की सीटी के लिए इतना महंगा चश्मा टप्पू क्यों तोड़ेगा? बिल्कुल तोड़ेगा। अरे उसी ने मुझे सुबह धमकी दी थी कि देखना भिड़े अंकल अब ये टप्पू क्या करता है। वो क्या कहा है? आप भी तो बच्चों को धमकी देते रहते हो, ये पनिशमेंट दूंगा वो पनिशमेंट दूंगा, देते हो कभी? कैसे है माधवी, तुम मुझे उस बदमाश टप्पू के साथ कंपेयर मत करो। हाँ, और अगर वो चश्मा किसी और ने तोड़ा होता तो उसे वापस वो बॉक्स में नहीं रखता गिफ्ट की तरह। आपके पास कोई सबूत है, कोई गवाह है कि ये चश्मा टप्पू ने ही तोड़ा है? ओ वकील माधवी, तुम्हें सबूत चाहिए ना? ठीक है, मैं ये साबित कर सक मैं ये सिबित कर सक साबित हाँ हाँ तेस्ते मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ये चश्मा टप्पू ने ही तोड़ा है। पहले खिड़कियों के कांच तोड़ता था, अभी उसी मजाल देखो मेरा चश्मा तोड़ दिया। डिस्ट्रक्टिव माइंड, अभी उसे नीचे बुलाता हूँ। अहो अहो अहो, मजा ऐकून घ्या। तू काही बोला चले मध्ये ऐका, माझा ऐका। टप्पू टप्पू, अहो मी काय म्हणते ऐका टप्पू, तू गप बस टप्पू टप्पू। क्या हुआ भिड़े अंकल? तू टप्पू है? नहीं टप्पू। अरे वो ऐसे नहीं आएगा। तो एक मिनट, अरे भिड़े अंकल आप अभी आप सुबह मुझे बोल रहे थे ना किसी को सीटी बजा के बुलाने का नहीं, अभी आप खुद ही सीटी बजा के मुझे बुला रहे हो। अब अरे एक मिनट में सांगती हूँ। अरे टप्पू बेटा, गोली ने सीटी मारी, इनको कहाँ सीटी बजानी आती है? ओ हाय गोली, हाय। ये ते हाय गेला खड्डा, तू खाली आदी, तू पहले नीचे आ। सॉरी भिड़े अंकल, मैं अभी नीचे नहीं आ सकता। क्यों? आपका दिया होमवर्क कर रहा हूँ। वो होमवर्क नहीं किया तो भी चलेगा, पहले नीचे आ। अच्छा अब भी आता हूँ। भिड़े अंकल तो मेरा होमवर्क भी? ये गोया तू गब्बस ना। क्या नहीं, क्या हुआ गोली बेटा? हाँ अरे कुछ नहीं पापा, वो क्या है भिड़े अंकल ने सुबह टप्पू की सीटी तोड़ दी थी, इसलिए उसे सॉरी बोलने के लिए टप्पू को नीचे बुलाया है। वेरी गुड भिड़े मास्टर। अरे का वेरी गुड करी, कुछ भी बोल रहे हो गोया, आप यहीं पे खड़े रहिए, आपको पता चल जाएगा मैंने टप्पू को नीचे क्यों बुलाया है। अच्छा अरे भिड़े भाई, इतने गुस्से में क्यों? तू भी यहीं खड़ा रहे, तुझे भी पता चल जाएगा। क्या हुआ भिड़े भाई? क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रहे? बताता हूँ चाचा जी, टप्पू को नीचे आने दीजिए, बताता हूँ सबको। क्या हुआ भिड़े भाई? बताता हूँ सबको, बताता हूँ कि मैंने टप्पू को यहाँ पे नीचे क्यों बुलाया। टप्पू जल्दी आओ। हाँ भिड़े अंकल। आप सब भी सुनिए कि क्या हुआ। तय भाभी चाचा जी, आपके टप्पू ने मेरा चश्मा तोड़ दिया। ए? अरे ए भाई, तूने तो चश्मा पहना हुआ है।
अरे ये चश्मा नहीं चाचा जी, ये नया चश्मा जो आज मैंने 2600 रुपए देकर खरीदा, नया कोरा करकरी चश्मा तोड़ दिया इसने, ये देखिए। अरे भिड़े अंकल, ये चश्मा मैंने नहीं तोड़ा। टप्पू झूठ मत बोलो। अरे अरे आजाराम, क्या हुआ, ऐसा चिल्ला क्यों रहे हो? अरे ये टप्पू ने मेरा नया चश्मा तोड़ दिया यार, कुछ देर पहले यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे, तोड़ दिया मेरा नया चश्मा। अरे नहीं भिड़े अंकल, ये चश्मा मैंने नहीं तोड़ा है। हाँ। अरे आदमराम, यह कवर तुम्हारा है? हाँ, क्यों? नहीं, थोड़ी देर पहले यह कवर मैंने टप्पू के हाथ में देखा था। हाँ ये ले। चल गोली। स्टार्ट। अभी मेरा नया चश्मा टूट जाता है, पता है? भीड़े अंकल के नए चश्मे देखो तो सही कैसे है। हाँ चक्रवर्ती, मेरा फ्लाइट का टिकट है लेकिन। हाँ आना चलना। हाँ आया आया। आइकला आइकला। ये चश्मे का कांच टप्पू ने तोड़ा है। ये जो आग है इसे तो आप एक फूंक से बुझा सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये जो शक की आग होती है ना, ये नहीं बुझती। और भिड़े के शक की चिंगारी को अय्यर की गवाही ने आग बना दिया है। अब टप्पू पे शक है भिड़े को, और भिड़े और टप्पू का रिश्ता तो आपको बताइए, बिल्कुल टेलीविजन और रिमोट कंट्रोल की तरह है। रिमोट का बटन दबाने ही क्या एंटरटेनमेंट शुरू। अब क्या सजा देगा भिड़े टप्पू को? भाई भिड़े को इस टूटे हुए चश्मे से कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे हंगामा साफ साफ नजर आ रहा है। हंगामा जरूर होने वाला है गोकुल धाम सोसाइटी में, यानी कि भिड़े और जेठालाल के बीच में एक नई जंग का बिगुल बज चुका है। यहां बिगुल जंग का है, लेकिन आपके घर में बिगुल बजेंगे हंसी के, यहां हंगामा होगा, आप हंसते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।